स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसी सजेशन दी है हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं सर याक, आई थिंक मेरे नाम गलत नहीं लिया। और वीडियो का टाइटल है Why do Hindus bury child after death? तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जहां दूसरे धर्मों में मृत्यु के बाद लाश को दफनाया जाता है, वहीं हमारे हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं को मृत्यु के बाद जलाने के बदले दफनाया जाता है? अगर नहीं तो हमारे साथ आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। नमस्कार, और द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, नवजात शिशु या फिर सन्यासियों को जलाने के बदले दफनाया क्यों जाता है? इससे पहले हम आपको ये बता दें कि कितने उम्र के बालक या बालिकाओं को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद दफनाने का नियम है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, हे गरुड़, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर यदि जन्म के बाद 2 वर्ष तक की उम्र के किसी बालक या फिर बालिका की मृत्यु हो जाए तो उसको जलाने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ देना चाहिए, और इससे अधिक उम्र के ही मनुष्यों की मृत्यु होने पर उन्हें जलाना चाहिए। गरुड़ पुराण की माने तो वास्तव में मनुष्य जब जन्म लेता है तो 2 वर्ष की उम्र तक वह दुनियादारी अर्थात मोह माया से परे होता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उससे मोह नहीं होता। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करता। जबकि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है और मोह माया में बनता जाता है, वैसे वैसे शरीर में मौजूद आत्मा को उस शरीर से मोह होने लगता है और मृत्यु के बाद वह उस शरीर में तब तक दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है जब तक मृतक के शरीर को जला ना दिया जाए। गरुड़ पुराण की माने तो अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार शरीर से अलगाव का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तब वह अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है और इसके बाद उस आत्मा के पास कोई लगाव नहीं रहता। वास्तव में अग्नि को हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार माना गया है जिसके माध्यम से मृतक को जब जलाया जाता है तभी वह आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। परंतु बच्चे जिन्होंने ज्यादा जीवन नहीं जिया है उनकी आत्मा को अपने शरीर से कोई लगाव नहीं होता, इसीलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने की बजाय दफनाने का विधान है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि शिशु के अलावा संत पुरुषों और भिक्षुओं को भी मृत्यु के बाद जलाने की बजाय दफनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और मोह माया, क्रोध, काम, लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता और जब ऐसे मनुष्यों की मृत्यु होती है तो वह बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम चले जाते हैं और हरि के चरण में सदा के लिए स्थान पा लेते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में बताया है कि जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तब उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तब उसकी माता पिता को चाहिए कि उसके निमित्त वह दूध का दान करे या फिर जितने महाशिशु की उम्र रही हो उतने बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाए, क्योंकि बच्चों की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। किसी भी मृतक का विधि विधान पूर्वक श्राद्ध तभी किया जा सकता है जब या तो उनका चूड़ाकरण संस्कार यानी कि मुंडन हो गया हो या फिर उसका उपनयन संस्कार हो गया हो। साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि माता पिता की क्षमता हो तो वह मरे हुए बच्चे के निमित्त वस्त्र आदि भी दान कर सकते हैं। माता पिता या फिर कोई परिजन मरे हुए बच्चे के निमित्त जितना दान करता है उतनी जल्दी ही उस बच्चे की आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु गरुड़ से ये भी कहते हैं कि हे गरुड़, जब किसी बालक की मृत्यु हो जाती है और उसे जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है तब उसके परिवार वालों को चाहिए कि वे जमीन के उस हिस्से को गोबर से लीपकर उसे गंगा जल से पवित्र कर दें। तत्पश्चात उसके ऊपर तुलसी का एक पौधा लगा दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ और ऐसे में मृत आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे
कि हिंदू धर्म में 2 वर्ष से कम उम्र के बालकों और साधु सन्यासियों को जलाया क्यों नहीं जाता। अगर समझ में आ गया हो तो इसे स्वयं तक सीमित न रखें, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी साझा करें। और अगर आपके पास भी गरुड़ पुराण से जुड़ी ऐसी ही कोई रोचक कथा है तो नीचे कमेंट करके हमारे साथ शेयर अवश्य करें। फिलहाल आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। ऐसी और भी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो वाकई मुझे नहीं मालूम था कि ये बच्चे और जो सन्यासी हैं उन्हें जो दफनाया जाता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से वीडियो डिटेल में बनाई गई और बताया गया तो बड़ा मुझे एक लॉजिकल पॉइंट लगा कि वाकई में ऐसा होता है कि बच्चे जो छोटे होते हैं उनमें मतलब इस दुनिया को लेकर उनको कोई इतनी सूझबूझ नहीं होती। और सन्यासी लोगों की अगर हम बात करें जो बाबा होते हैं उनमें भी देखा जाए तो उनको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, उनकी तपस्या इतनी ज्यादा होती है कि इस दुनिया में की रंगीनियों में या इस दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं होता। दुनिया की अगर बात करें, दुनिया एक ऐसी जगह है कि आपको यहाँ पर जो है हर चीज से प्यार हो जाता है, आप दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते। इवन कि आप 90 साल के बाबे से भी पूछेंगे ना कि मरना, वो भी ये कहेगा नहीं मैंने नहीं मरना, क्योंकि दुनिया एक चीज ही ऐसी है कि आपको यहाँ की हर चीज लुभाती है। आपके जो शरीर होता है आपको अपने शरीर से प्यार होता है। तो नो डाउट जो उन्होंने एक चीज बताई वो काफी वैलिड है कि आपका शरीर जो है तब तक आपकी आत्मा को नहीं छोड़ था। अच्छा वैसे बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान इसलिए नहीं मरना चाहता क्योंकि उसको ना अपनों से बड़ा प्यार, जो उसके करीबी रिश्ते होते हैं जैसे माँ बाप हो गए, बहन भाई, बीवी, बच्चे, हस्बैंड, मुझे लगता है शायद उनके साथ वो इतना ज्यादा कनेक्ट होता है ना। बाकी दुनिया से तो उसको ऑब्वियसली इतना ज्यादा प्यार नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी से प्यार नहीं होता सिवाय अपने आप के। पता नहीं उन लोगों का, मुझे नहीं पता। बट मैं अगर अपनी बात करूँ और मैं कहूँ कि मेरा मन अगर नहीं करता कि मैं मरूँ, तो उसकी रीजन सबसे ज्यादा पहले यही होती है कि मेरे अपने मैं सबको छोड़ के चली जाऊंगी। ये मतलब आपका हस्बैंड, जो भी आपके करीबी प्यारे रिश्ते हैं, आपका नहीं दिल करता कि उनको कभी कुछ हो या आप कभी उनको छोड़ कर कहीं। सही बात है, ये जो है ना एक ऐसे रिश्ते हैं कि आप जब भी इनके बारे में इस तरह सोचते हैं ना तो आप अंदर से हिल जाते हैं कि यार नहीं ये इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन नो डाउट इस दुनिया से एक दिन हर शख्स ने जाना है। हर मजहब के हिसाब से उनके जो है रिचुअल्स होते हैं, कोई दफनाते हैं, कोई जलाते हैं। तो हर यानी कि बेसिकली एंड पे आपको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। आपको एंड पे जो है सुकून चाहिए मरने के बाद भी। अच्छा पता नहीं क्यों मुझे ना ये बड़ा मिस्टीरियस लगता है। सही बात है, मरने के बाद कहते हैं कि बस एक इंसान चला गया। मुझे नहीं लगता कि एक इंसान मरने के बाद भी जाता है क्योंकि वो आपको यानी कि डिफरेंट तरीकों से आपके ख्वाबों में आकर आपको मिलता रहता है। और समटाइम्स अभी जैसे मतलब कि हम लोग अपनी मदर की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता था जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी तो उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता था कि वो रोज मुझसे मिलती थी ख्वाब में और मुझे लगता ही नहीं था कि वो इस दुनिया से चली गई हैं। और जब आंख खुलती थी हाँ तब आपको दुख होता था, आप रोते भी हैं, आप वो तब आपका दिल भी टूटता है कि नहीं वो बंदा आपके साथ नहीं है। अच्छा, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप जब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं ना तो आपको जो है वो लोग जिनसे आपको प्यार होता है वो इस दुनिया में नहीं रहते, वो भी आपसे जरूर मिलते हैं ख्वाब में। बिल्कुल। और पता है क्या मतलब एक और चीज, मैंने डिफरेंट सिचुएशंस में ये चीज एक्सपीरियंस की है और मेरा बड़ा फर्म बिलीव है इस चीज पर कि मरने के बाद भी लोगों के जो आपके बहुत प्यारे रिश्ते हैं उनका कभी भी नाता आपसे टूटता नहीं है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा अगर मैं कभी परेशान हूं तो भी वो आकर मेरे ख्वाब में मुझे मिलती हैं या मतलब यू नो कुछ इस तरीके से फील होता है जैसे कि कोई आपको हौसला दे रहा है। और अगर वो मतलब कि अगर कोई खुशी आ रही है, कोई फैमिली में कुछ ऐसी नई चीज हो रही है तो भी वो हम में से किसी ना किसी को जरूर मिलती हैं। तो मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि ना वो लोग जब चले भी जाते हैं ना उनको हमारी फिक्र होती है, कनेक्शन एक रहता है। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा, जो एंड पे उन्होंने जो है बात की कि जो दफना देते हैं तो उसके ऊपर कब्र के ऊपर जो है वो गोबर और तुलसी का पौधा, गोबर का तो नहीं लेकिन जब यहाँ पर भी कोई मरता है तो उसकी कब्र के ऊपर भी कोई ना कोई फूल या पौधा जरूर लगाया जाता है। हाँ। अक्सर ये चीज मैंने नोट की है। well, मैं बस यहाँ पर ये बात करती हूँ कि जिसकी के जो भी आई थिंक तरीका है। हाँ। मजहब के लिहाज से मेरा ख्याल है मौसम दुनिया में शायद 2 ही तरीके हैं।
हैं, या तो आप दफना देते हो या फिर मेरे हाल में आप जला देते हो। मैंने तो दो ही सुने हैं या मुझे दो ही पता है। मम्मीफाइड भी तो करते हैं, बता नहीं मम्मी फाइड बनाते हैं, पहले बनाते थे ना। मैं अभी की बात कर रही हूँ। वैसे मैंने भी दो ही सुने, या तो दफना देते हैं या जलाया संस्कार कर दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसका जो भी एक जो उनके रिचुअल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष आपको तभी मिलता है जिस आप रिलीजन के मुताबिक आपकी सारी चीजें होती हैं, आप जिसको भी फॉलो करते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ना ये बहुत मिस्टीरियस चीजें थे, पता नहीं क्यों मुझे अभी तक ऐसी ही चीजें मेरे दिमाग में समटाइम्स आती हैं ना रूहों को लेकर, तो मैं सोचती हूँ कि उनकी क्या आगे जिंदगी होती होगी। मतलब मेरे जहन में ऐसे नहीं, बिल्कुल हाँ। हर बंदे के साहब के जहन में ये बात आती है कि मरने के बाद पता नहीं क्या होगा हाँ। हमारे साथ तो नो डाउट बंदा डरता है, लेकिन फिर एंड पे वही आपको जब मोक्ष चाहिए, मोक्ष मिलनी चाहिए बस इंसान को। बंदा किस चीज से डरता है हाँ, तुम ये बताओ। जो मरने के बाद जूते पड़ने ना उससे, हम लोग हमारे जो बुरे कर्म है उसकी वजह से जो है हमें डर लगता है कि कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए बस। वैसे हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए ना कि हम अच्छी अच्छी मतलब कर्म करें और अच्छा रहें। बिल्कुल कोशिश हमें करनी चाहिए, लेकिन अब हर बंदा एक जैसा तो नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में अपने आप को खुदा समझ बैठते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा यू नो प्रोमिनेंट होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी जो है इस तरह की गुजर रही होती है कि वो बहुत सिंपल लाइफ गुजारते हैं। मुझे ऐसा लगता ना, मैं ये सोचती हूँ कि देखो आप अच्छे कर्म करो और अच्छा सोचो, और यही सोचो कि आपको ना एंड पर अच्छी चीजें ही मिलेंगी। अभी फिलहाल ये दुनिया जो है ना, बिल्कुल इसको हमें लेकर चल। और सीरियसली आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कौन कैसा है कैसा हाँ। नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस बंदे को जो है वो मोक्ष मिल जानी है, किस बंदे ने पकड़ा ही जाना है। वेल एग्जैक्टली मैं ये सोचती हूँ कि ये चीजें तुमसे ना लास्ट वाले पर ऊपर वाले पर रख देनी चाहिए कि ऊपर वाले ने क्या डिसाइड करना, हम लोगों को ना इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल हमें जो बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो दुनिया में थप्पे लगाना हाँ। पहले टिकट देते दे, जहन्नुम का भी और जन्नत का भी टिकट थप्पे लगा देते हैं। बिल्कुल जैसे इन लोगों ने ना साइन करके देना कि भाई ये बंदा जन्नत में जाएगा, ये जहन्नुम में जाएगा। एनीवे अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को भी और इनको समझ आए। और इसी के साथ हमें इजाजत, और आप लोगों में से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ये पता होगा हमारे लिए एक नई चीज थी। और रखें हमें अपनी दुआ में, लाइक सब्सक्राइब।